अस्सलाम गाइस, वेलकम टू फोर व्हील। आज मैं जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहा हूँ, उस गाड़ी का नाम है सुजुकी ऑल्टो VXL। इसमें चार वेरिएंट्स आते हैं, VX मैनुअल, VXR मैनुअल, VXR ऑटो और VXL ऑटो। ये VX ऑटो वाला वेरिएंट तो आज रिव्यू स्टार्ट करते हैं। थैंक यू टू सुजुकी ओलंपिया मोटर फॉर मेकिंग दिस रिव्यू पॉसिबल। फ्रंट लुक की बात करें तो बहुत ही सिंपल सी इसकी फ्रंट लुक है। सबसे पहले इसके हेडलैम्प पे आए तो सिंपल हेडलैम्प आते हैं, पार्किंग बल्ब आते हैं और एक इंडिकेटर आता है। इसकी ग्रिल में आए तो वो बम्पर के साथ ही ग्रिल है जो हाफ वर्टिकल और हाफ हॉरिजॉन्टल है। ड्राइवर साइड की साइड पे यहाँ से इसका बोनेट ओपन होता है। अब मैं इसके इंजन पे आऊँ तो 660 cc इसका इंजन आता है जो कि 39 हॉर्स पावर और 56 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। अब मैं इसकी साइड प्रोफाइल पे आऊँ तो सबसे पहले इसके आपको फ्रंट फेंडर पे एक इंडिकेटर मिलेगा। इसके टायर साइज की बात करें तो 145/80/R 13 इंच के आपको व्हील कैप मिलेंगे स्टील रिम के ऊपर। साइड मिरर की बात करें तो वो बॉडी कलर है और वो रिट्रैक्ट होते हैं अंदर से, चाबी से नहीं होते। इसके डोर हैंडल जो है वो भी बॉडी कलर है और इसमें एक ट्रैक्टर लाइन आती है। 27 लीटर का इसके अंदर फ्यूल टैंक आता है। अब मैं इसकी बैक प्रोफाइल पे आऊँ तो सबसे पहले इसके रूफ की बात करें तो उसमें आपको ट्रैक्टर लाइन मिलेगी। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड ब्रेक लाइट मिलेगा, रियर डिफोगर मिलेगा, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे ऑल्टो का और वहाँ पे ऑल्टो गियर शिफ्ट का बैजिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको इसकी रियर लाइट में इंडिकेटर मिलेगा, ब्रेक लाइट मिलेगा, बड़ा खूबसूरत सा बम्पर है। यहाँ से इसका ट्रंक ओपन होता है। इसके ट्रंक में इतनी स्पेस नहीं है लेकिन आपको स्पेस बनानी है तो आप इसकी सीट फोल्ड कर सकते हैं। नीचे आपको स्पेयर व्हील नहीं मिलता लेकिन एयर प्रेशर और साथ में आप इसकी टूल किट मिल सकती है। आज अब इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं। इसके इंटीरियर में है तो बहुत ही स्मार्ट सा इंटीरियर है। आज अब इसे स्टार्ट करके देख लेते हैं। इस तरह की इसकी किया आती है, यहाँ पे सुजुकी का लोगो, यहाँ पे लॉक अनलॉक। बहुत ही स्मूथ स्टार्टिंग भी आ रही है। सबसे पहले इसके इंटीरियर की बात करें तो ये आपको ब्लैक और बेज के कॉम्बिनेशन में इसके डोर पे है तो वो ब्लैक और बेज के साथ पूरा आपको पैनल मिलेगा जिसके अंदर इसकी सारी विंडो पावर है, उनमें से एक ऑटो है। साइड मिरर की सेटिंग मिलेगी रिट्रैक्टेबल की। यहाँ पे आए तो आपको ब्लैक के पार्ट में एसी इंटेक मिलेगा, यहाँ से आपको बेस स्टार्ट हो जाएगा। और इसके मीटर पे आए तो सिंपल साइज का मीटर आता है जो कि 140 टॉप स्पीड है और यहाँ पे इसकी सारी इंफॉर्मेशन आती है। यहाँ से इसकी लाइट से कंट्रोल हो सकते हैं, यहाँ से इसके वाइपर्स के। स्टेयरिंग पे तो स्टेयरिंग सिंपल से, उसमें एक एयर बैग आता है और यहाँ पे सुजुकी का लोगो आता है। अब मैं इसके सेंटर पे आऊँ तो सेंटर में आपको दो एसी वेंट मिलेगी और 6 इंचेस की इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगी जिसका रिस्पांस भी अच्छा है। नीचे आपको 5-स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिलेगा, एसी के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। नीचे यहाँ पे आपको थोड़ी स्पेस मिलेगी और चार्जिंग टॉप मिलेगा। यहाँ पे 2 कप होल्डर मिलेंगे, मैनुअल हैंडब्रेक मिलेगी और 2 कप होल्डर पीछे मिलेंगे। इसके पैसेंजर साइड पे है तो यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर अच्छी स्पेस है। ऊपर आए रूफ पे तो सिंपल मिरर मिलेगा, एक लाइट मिलेगी सिंपल सी। इसके वाइजर के अंदर कोई मिरर नहीं है, पैसेंजर साइड पे भी और ड्राइवर साइड पे भी। अब इसके सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर 2 एयरबैग आते हैं, 5 सीट बेल्ट आती है, 4 लॉक आते हैं, ABS आते हैं और EBD आती है। एक हैचबैक होने के लिहाज से इसके अंदर सेफ्टी फीचर्स ठीक है। मैं इसके रियर पे आऊँ तो रियर पे भी इसका लेग स्पेस और हेड स्पेस बहुत अच्छा है, आगे से भी बहुत अच्छा है। एक हैचबैक होने के लिहाज से काफ़ी अच्छी इसके अंदर स्पेस है। पीछे आपको 2 सीट बेल्ट मिलती है। इसके डोर पे यहाँ से इसकी आप विंडो कंट्रोल कर सकते हैं, डोर हैंडल मिलते हैं, यहाँ से द्वारा बंद कर सकते हो। नीचे स्पीकर की जगह है लेकिन पीछे स्पीकर नहीं आते, इसके सिर्फ आगे स्पीकर आते हैं। अब इसकी एवरेज की बात है तो इसमें जो मैनुअल वेरिएंट आता है वो आपको 22 एवरेज देती है सिटी में और लॉन्ग पे वो देती है 25, और ये जो है ऑटो वेरिएंट ये आपको सिटी में 18 और लॉन्ग पे 22-21 देती है।